नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 डायग्नोस्टिक कंपनीज के बारे में जो अपनी फ्रेंचाइजी पूरी इंडिया में प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुका है और हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। बीमारी की वजह से डॉक्टर उन्हें अलग अलग टाइप के टेस्ट कराने को बोलते हैं और वो टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं। इंडिया का डायग्नोस्टिक बिजनेस हर साल 15% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसकी डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं और इस फील्ड में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब वो कौन सी 5 कंपनी है, किस टाइप की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्या स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगी और भी बहुत सारी चीज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मेरी लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 पर आता है अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई थी और इन्होंने 2021 से इस कंपनी ने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। अगर ओवरऑल इंडिया में इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट की बात करूं तो इनके 2000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट है। अपोलो कंपनी बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर में 2 टाइप की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंगल यूनिट पीसीसी और दूसरा है क्लस्टर यूनिट पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म है पेशेंट केयर सेंटर। तो दोस्तों अगर आप सिंगल यूनिट पीसीसी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और आप क्लस्टर यूनिट पीसीसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा 15 से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में। दोस्तों इसके अलावा आपके पास में 200 से लेकर 250 स्क्वायर फीट की स्पेस भी होनी चाहिए जहां पर आप डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर पाए। दोस्तों अगर मैं फ्रेंचाइजी फीस की बात करूं तो ये आपसे 50,000 के आसपास फ्रेंचाइजी फीस लेने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इनके डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजी ले ली तो आपके पास में कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए। तो दोस्तों आपके पास में कम से कम 2 एम्प्लॉय होने चाहिए जिसके पास में DMLT का डिग्री होना चाहिए। DMLT का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेस्टिंग। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का टेस्ट कर रहे हैं। हर एक टेस्ट पर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा 40% से लेकर 85% के बीच में। और जैसे कि मैंने बताया, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेस्ट 100 रुपए का भी कर रहे हैं तो उसमें आपको 40 रुपए मिलने वाले हैं, और अगर कोई टेस्ट 1000 रुपए का तो उसमें आपको 400 रुपया मिलने वाला है। दोस्तों ये तो मैंने मिनिमम 40% पकड़ा है। अलग अलग टेस्ट के अलग अलग चार्जेस होते हैं। दोस्तों इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में लाइसेंस भी होने चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, दूसरा ट्रेड लाइसेंस और तीसरा आपके पास में GST लाइसेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको अपोलो फार्मेसी का डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है www.apollodiagnostics.in। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से आपको फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाता है जिसमें राइट हैंड साइड में आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। उसमें आपको सिंपली आपका नेम, मोबाइल नंबर और कौन से स्टेट से आप हैं वो सिलेक्ट करना है, और वहाँ पे कौन सी सिटी से वो आपको सिलेक्ट करना है, और एक ये वेरिफिकेशन कोड आपको डालना और सबमिट कर देना है। आपकी डिटेल कंपनी के पास चली जाएगी, कंपनी वाले आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आगे की प्रोसीजर के लिए बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की कंपनी के बारे में। दूसरे नंबर की कंपनी है SRL डायग्नोस्टिक्स। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसकी पेरेंट कंपनी रैनबैक्सी कंपनी थी। तो इनिशियली इस कंपनी का नाम SRL रैनबैक्सी था, जो 2008 में चेंज होकर सुपर रेलिगेयर लेबोरेटरीज हो गया। दोस्तों इस कंपनी ने 1999 से फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया था। अगर ओवरऑल इंडिया में बात की जाए तो इस कंपनी की पूरी इंडिया में 450 से भी ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर अवेलेबल है, और इनके डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में कम से कम 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में होना चाहिए, जिसमें से आपका जो मोटा मोटी खर्चा होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपके डायग्नोस्टिक सेंटर का इंटीरियर आ गया, अलग अलग मशीनरीज आ गई, इसके अलावा अलग अलग एसेंशियल इक्विपमेंट्स भी आ गए, और भी बहुत सारे खर्चे जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर लगते हैं, तो उन सब चीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगता है। तो इसके लिए इनकी डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। अगर आप कोई गांव साइड में इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपका अमाउंट कम जाएगा, अगर आप शहर में ले रहे हैं, मेट्रो सिटीज में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका अमाउंट बढ़ने वाला है। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये आपके साथ में 7 साल का एग्रीमेंट करते हैं। 7 साल कंप्लीट होने के बाद में आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंचाइजी फीस की बात करूं तो आपको इनको 2 लाख रुपए एज ए फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी। इनकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको 10% इनको रॉयल्टी देनी होगी। SRL डायग्नोस्टिक के सेंटर को इजिली मेंटेन करने के लिए आपको 7 से लेकर 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं ROI की, तो 1 साल आप ROI पकड़ के चल
सकते हो, एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाता है। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो आपको पूरा फ्रेंचाइजी सेटअप 1 से लेकर 3 महीने के अंदर करके दे दिया जाएगा, जिसमें आपको ये हर तरीके से हेल्प करेंगे, जैसे कि स्पेस को फाइंड करने में, अलग अलग लाइसेंस बनाने में, आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में, और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको इस कंपनी के थ्रू मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है www.srldiagnostic.in। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज में सिंपली आपको नीचे की तरफ जाना है, जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मैसेज टाइप करना है। इस मैसेज में आपको फ्रेंचाइजी के बारे में लिखना है और सबमिट कर देना है। और आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उससे भी आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। दोस्तों तीसरे नंबर पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 1949 में हुई थी, लेकिन इन्होंने 2014 से फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। दोस्तों ये कंपनी हाल फिलहाल में कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी दे रही है, जिसके लिए दोस्तों आपके पास में कम से कम 200 से लेकर 250 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। और अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको ये फ्रेंचाइजी जल्दी से मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस लोगों को ही फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में 3 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होना चाहिए, वो अमाउंट आपका लगने वाला पूरा कलेक्शन सेंटर को सेट करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर लैब पैथ का पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने फ्रेंचाइजी आउटलेट है, तो दोस्तों 200 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट इनके देखने को आपको मिल जाएंगे। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपकी और कंपनी के बीच में 5 साल का एग्रीमेंट होता है, उसको आप 5 साल के बाद में रिन्यू भी करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजी फीस की, तो आपको अराउंड 50,000 के आसपास में फ्रेंचाइजी फीस कंपनी को देनी होगी, और आपके कलेक्शन सेंटर को इजीली मैनेज करने के लिए आपको 2 एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, तो आपको आसानी से 25 से लेकर 30% का प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। अगर कोई टेस्ट 100 रुपए का है तो आपको इजीली 30 रुपए उसमें से मिल जाएगा, और अगर कोई टेस्ट 1,000 रुपए का तो आपको 300 रुपए के आसपास में मिलेगा। अगर मैं ROI की बात करूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आपका ROI 1 से 1.5 साल में रिकवर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते कि मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इस फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। दोस्तों इनकी वेबसाइट है www.lalpathlabs.com। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से आपको बिजनेस पार्टनरशिप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जब आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको पार्टनर विद अस का ऑप्शन आएगा, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है बिकम ए फ्रेंचाइजी। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे फ्रेंचाइजी के लिए हाईलाइट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको सिंपली फिल कर देना है। फिर उसके बाद में आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना है। आपकी सारी डिटेल्स कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। दोस्तों चौथे नंबर पे मेट्रोपोलिस। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी, और दोस्तों इन्होंने ईयर 2000 से फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। दोस्तों इस कंपनी की पूरी इंडिया में 1500 से भी ज्यादा कलेक्शन सेंटर है और 100 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज है। इंडिया के अलावा और भी अलग अलग 6 कंट्रीज में ये अपनी सुविधाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कम से कम 3 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, जिसमें आपकी फ्रेंचाइजी फीस अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास होगी। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो आपके पास में 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक की जगह होनी चाहिए। अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके साथ में जो एग्रीमेंट होगा वो लाइफ टाइम का होगा। दोस्तों आपसे कंपनी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में रॉयल्टी भी चार्ज करती है 10% का। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको 10 रुपया इनको रॉयल्टी देनी होगी। दोस्तों अगर आप इनके कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास में कम से कम 2 से 3 एम्प्लॉयज होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं ROI की, कि आपका इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर आपका ROI रिकवर हो जाता है। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी का पूरा सेटअप 5 दिन के अंदर अंदर आपको करके दे देगी, और अगले हफ्ते से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है www.metropolisindia.com। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पार्टनर्स वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें से फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल में लिखा हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
और कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिटी कौन सी है, वो टाइप करना है। उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपकी डिटेल कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी के पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे और फ्रेंचाइजी के बारे में आपको गाइड कर देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट और पांचवें नंबर की कंपनी के बारे में। पांचवें नंबर की कंपनी है मैक्स लैब। ये कंपनी 2016 से अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी में आप दो तरीके से कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है, 2 से 3 लाख रुपए है, तो आप इनकी कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो आप इनकी लैब्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको कलेक्शन सेंटर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों पूरी इंडिया में इनके 200 से भी ज्यादा कलेक्शन सेंटर है। अगर आप इनके कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आपके पास में कम से कम 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट की स्पेस होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 2 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, जिसमें से ये कंपनी कोई भी फ्रेंचाइजी फीस आपसे नहीं लेगी। आपके यहाँ पर जितने भी सैंपल कलेक्ट होंगे उस पे आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 50% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। ये टोटली डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। अलग अलग टेस्ट के ऊपर अलग अलग आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इम्प्लॉयज की, तो आपके पास में कम से कम 1 से 2 इम्प्लॉय होने चाहिए, जिसमें से एक इम्प्लॉय आपके कलेक्शन सेंटर में कलेक्शन करने का काम करेगा और दूसरा कलेक्शन सेंटर को संभालने का काम करेगा। अगर इस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो कंपनी आपके साथ में 4 साल का एग्रीमेंट करती है, उसके बाद में आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इनकी कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी लेती है, तो ये कंपनी आपके कलेक्शन सेंटर का पूरा सेटअप 1 महीने के अंदर अंदर करके दे देगी। तो दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पर फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि इनकी फ्रेंचाइजी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है www.maxlab.co.in। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको बिजनेस इंक्वायरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें से आप कौन सी चीज की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कलेक्शन सेंटर, दूसरा हॉस्पिटल लैब मैनेजमेंट, तीसरा है फिजिशियन फेलोबोटोमिस्ट एट साइट, चौथा है पैथोलॉजी टेस्ट आउटसोर्सिंग, पांचवा है फ्रेंचाइजी लैब्स, जिसमें से आप कलेक्शन सेंटर की फ्रेंचाइजी इजीली ले सकते हैं। कलेक्शन सेंटर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको डिटेल में दिया हुआ है कि आपको पास में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में राइट हैंड साइड में आप टाइप ऑफ इंक्वायरी में सिलेक्ट कर सकते हैं कलेक्शन सेंटर, और आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री, व्हाट इज ऑन योर माइंड, ये आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। आई एम नॉट रोबोट को सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपकी डिटेल कंपनी के पास चली जाएगी और कंपनी वाले आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आगे की जानकारी आपको दे देंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आप इस कंपनी की आप लैब्स की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसके लिए आपके पास में कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। मिनिमम आपके पास में 1200 स्क्वायर फीट तक की जगह होनी चाहिए। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पास में है और स्पेस है, तो आप इनकी लैब्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के बारे में भी डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।